बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से एलजेपी के दिन अच्छे नहीं चल रहे। पहले तो पार्टी शून्य पर आकर सिमट गई और अब चाचा की बगावत के बाद एलजेपी पूरी तरह से बट गई है, जिसमें चिराग अकेले पड़ गए हैं। पासवान के पास कोई भी नहीं है, इसलिए अब तो वो अपना दुख बयां कर रही है। यहाँ तक कि पीएम मोदी के हनुमान ने अब राम को याद किया है। क्या चिराग एलजेपी में फिर से कर पाएंगे रोशनी? पार्टी में बगावत के बाद क्या है चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य? क्या पार्टी में फूट की वजह से पासवान गए हैं टूट? पिछले लंबे समय से सियासी गलियारों में ये सवाल गूंज रहे हैं, क्योंकि खुद चिराग पासवान अपना दुख बयां कर रहे हैं, जिसमें वो बुरी तरह से टूटे हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ तक कि अब चिराग ने पीएम मोदी से भी मदद मांगी। एलजेपी सांसद ने कहा है कि हनुमान का वध होने पर अगर राम चुप रहे तो ये ठीक नहीं है। सतयुग के समय से लेकर आज तक रामायण में देखा गया है कि हनुमान जी ने हर कदम पर भगवान राम का साथ दिया। चिराग पासवान की रामायण यही खत्म नहीं हुई। उन्होंने कहा कि हर कदम पर हनुमान भगवान राम के साथ चले और उसी तरह हर कदम पर उनकी पार्टी एलजेपी हर छोटे बड़े फैसले पर नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी रही। हर फैसले पर बीजेपी के साथ मजबूती से खड़े रहने वाले हनुमान की एलजेपी पर अब जब मुश्किल खड़ी है तो उम्मीद थी कि राम हस्तक्षेप करेंगे और किसी तरह इस विवाद को सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बीजेपी की चुप्पी ने मुझे दुखी जरूर किया है। फिर भी मैं कहूंगा कि मुझे पीएम पर पूरा भरोसा है कि वे स्थिति को नियंत्रण में लेकर इस राजनीतिक मुद्दे को सुलझाने के लिए हस्तक्षेप जरूर करेंगे। अब चिराग पासवान तो पीएम मोदी से मदद मांग रहे हैं, लेकिन वहां से भी उन्हें निराशा ही हाथ लगने वाली है, क्योंकि वो जेडीयू के खिलाफ जाकर पासवान को पास कभी नहीं आने देंगे। इसकी वजह बिहार की सत्ता है। बिहार में जेडीयू ही बीजेपी की बैसाखी है, जिसका सहारा लेकर वो सूबे की सियासत में राज करती है। अगर पीएम मोदी पासवान का साथ देते हैं तो जाहिर तौर पर वो बैसाखी खिसक जाएगी, यानी साफ है कि चिराग की चिंता अभी दूर नहीं होने वाली है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।